Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूं अंकिता और आप मुझे देख रहे हैं अंकुरित स्टाइल्स पे. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ब्यूटी टिप्स. अगर आपको ये टिप्स पसंद आती हैं तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. तो आज हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में. तो स्किन केयर से रिलेटेड कुछ ब्यूटी टिप्स मैं आप लोग को देने वाली हूँ सो दैट कि आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकें. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप अपनी ब्यूटी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं. तो सबसे पहले आपको पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. सो पानी का आप हमेशा से ध्यान रखें कि आप कितना पानी ले रहे हैं. अगर आप जो है पानी कम पीते हैं तो आप पानी पीना शुरू कर दें, बिकॉज वाटर जो है आपकी स्किन को बहुत अच्छा हेल्दी बनाता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को भी हेल्दी बनाता है. तो डेफिनेटली पानी तो आपको ज़्यादा पीना ही है अगर आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है. तो मूव ऑन करते हैं टू द सेकेंड टिप. सो गाइस, हमारी सेकंड टिप है दैट इज कि जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उठने के बाद आपको हमेशा से स्किन केयर करना है, और रात को सोने से पहले भी आपको अपना स्किन केयर करना है. और अगर आप स्किन केयर नहीं भी करते हैं प्रॉपरली तो आपको अपना फेस वॉश तो ज़रूर करना है. जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं या मॉर्निंग में जब भी आप उठ रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपने फेस को वॉश करना है. एंड उसके बाद आपको अपने फेस को जो है प्रॉपरली मॉइस्चराइज करना है. मॉइस्चराइज के लिए, प्रेप के लिए आप जो है कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है. तो मैं आपको हमेशा से यही रिकमेंड करूँगी कि आप मॉइस्चराइजर से पहले आप ज़रूर से रोज़ टोनर को यूज़ करें, रोज़ वाटर यूज़ करें, एंड देन आफ्टर दैट आप जो है कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, ठीक है. और इसी तरीके से रात को सोने से पहले भी आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है, ठीक है. रात को सोने से पहले जब भी आप अपने फेस को लाइक धोते हैं, वॉश करते हैं, तो वो एक मस्ट प्रोसेस है, बिकॉज पूरी होल नाइट अगर आप अपने फेस पे डर्ट को लेकर सो जाएंगे तो वही जो है एक एडवर्स रिएक्शन प्रोवाइड करेगा आपको. तो डेफिनेटली आपको अपने फेस को जो है वॉश करके सोना है एंड प्रॉपरली उसको मॉइस्चराइज भी करना है, ठीक है. उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, बिकॉज जब भी हम अपने फेस को वॉश करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वॉश के लिए, लाइक हमने कोई भी सोप यूज़ किया या फिर हमने कोई फेस वॉश यूज़ किया या फिर हमने कोई क्लिंजर यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, जो हमारे फेस पे जो सिबम होता है वो जो है हट जाता है. तो अगर आप अपने फेस को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो जो नेचुरल सिबम जो हमारी बॉडी में से प्रोड्यूस होता है तो वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, एंड उससे जो है आपको चिपचिप जैसी जो है चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, ठीक है. तो आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज ज़रूर करना है. कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लें, और मॉइस्चराइज़र से पहले टोनिंग करें. सो टोनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रोज़ वाटर, ठीक है. रात को सोने से पहले अगर आप सीरम को अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके स्किन के लिए. एंड इसी तरीके से मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश करते हैं एंड मॉइस्चराइज़र से पहले अगर आप लाइक सीरम अप्लाई करते हैं एंड मॉइस्चराइज़र के बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, तो वो आपकी स्किन केयर को एक प्रॉपर कंप्लीट जो है प्रोसेस है. तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें तो ज़रूर करते होंगे. चलिए मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप. सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कि सनस्क्रीन की एप्लीकेशन ज़रूर करें. अगर आप सनस्क्रीन को अवॉइड करते हैं तो अवॉइड बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्किन के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ मेरी स्किन के लिए भी. एंड मैं हमेशा से सनस्क्रीन लगा के रखती हूँ. इवन मैं रात को सिर्फ सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करती हूँ, बट होल डे मैं अपने फेस पे सनस्क्रीन की एप्लीकेशन ज़रूर करती हूँ, चाहे मैं घर में हूँ चाहे मैं बाहर हूँ, ठीक है. सनस्क्रीन की एप्लीकेशन मैंने करनी ही करनी है. तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये कुछ टिप्स पसंद आई होगी. ब्यूटी टिप्स हैं और ये बहुत ही ईजी टिप्स हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तामझाम वाली टिप्स मैंने नहीं बताई हैं आप लोगों को. सो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आप ईजिली कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, साथ ही साथ क्लिक करना है बेल आइकन को. बेल आइकन को अगर आप क्लिक कर देते तो आपको मेरी जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच जाएंगे एंड आप उस वीडियो को देख पाएंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इफेक्टिव लगी है तो इसको करना है शेयर. एंड आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे एंड ट्विटर पे, सो दैट कि आप मेरी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को जो है एक्सप्लोर कर पाएँ एंड मेरी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के साथ जुड़ पाएँ. तो जुड़ने के लिए आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय, बाय.